हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल MSDSA ऑल डिजाइन टेक्निकल सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर डीजे वायरिंग के बारे में। हमारा एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट में पूछा था कि प्रॉपर डीजे वायरिंग के बारे में एक वीडियो बनाए, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो मिक्सर से लेके आप क्रॉसओवर से फिर एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर से आपका जो बेस या टॉप के लिए जो हम लोग कनेक्शन, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे सबका कनेक्शन के साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ऊपर हमारा पायनियर डीजे जो लिखा है वो मिक्सर है, उसके नीचे हमारा क्रॉसओवर है, और उसके नीचे हमारा दो एम्पलीफायर है, एक बेस के लिए और एक टॉप के लिए। तो इसके लिए हम मिक्सर से क्रॉसओवर से फिर हम लोग एम्पलीफायर में लेंगे कनेक्शन, उसके बाद हम लोग आउटपुट लेंगे हमारा बेस या टॉप में। तो चलिए कनेक्शन के बारे में जो बात कर रहे थे उसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डीजे में जो है वो प्रॉपर वायरिंग बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए ना आपको जो वायर लेना है XLR या फिर जैक जो भी आप लेंगे, उसके लिए आपका अच्छे कंपनी का वायर पहले चूज कर लेना है, फिर आप जाके वायरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप पायनियर डीजे मिक्सर में, मिक्सर से आपको L और R का आउटपुट मिला हुआ है। तो इस आउटपुट से L से एक लेंगे और R से एक लेंगे, और इसको हम यहाँ से जो हम आउटपुट लेंगे इसको हम इनपुट करेंगे क्रॉसओवर के चैनल 1 के इनपुट में, एक L का जो आया है 1 में और R का जो आया है वो चैनल 2 पे, इसको हम लोग पहले इनपुट दे देंगे। उससे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आपका मिक्सर में ना आपको इनपुट देना होता है, आप या फिर मोबाइल से चला रहे हैं, आपका लैपटॉप से चला रहे हैं, जिसमें भी चलाएंगे उससे आप इनपुट ले सकते हैं। इनपुट के लिए आप यहां पर देखिए इनपुट दिया गया है, तो आप इनपुट ले सकते हैं, ऑक्स इनपुट में डाल सकते हैं, यहाँ पर 2-3 जगह दिया गया, आप यहाँ पर इनपुट डाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग जो लेंगे क्रॉसओवर से हमारा एम्पलीफायर में, सबसे पहले हम बेस के लिए आउटपुट लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, चैनल 1 का जो लो आउटपुट है, चैनल 1 का जो लो आउटपुट है वहाँ से हम लोग एक लेंगे, और चैनल 2 का जो लो का आउटपुट है वहाँ से हम एक आउटपुट लेंगे। चैनल क्रॉसओवर का चैनल 1 से जो आउटपुट लेंगे, जिसमें हम जिस एम्पलीफायर में हम लोग बेस चलाएंगे, यहाँ पर हम पहले वाला एम्पलीफायर में हम लोग बेस चलाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग चैनल 1 से जो आउटपुट आया होगा क्रॉसओवर से, वो एम्पलीफायर के चैनल 1 पे हम लोग इनपुट दे देंगे, और जो क्रॉसओवर के चैनल 2 से जो हम लोग लो आउटपुट लिए होंगे उसको हम लोग बेस के एम्पलीफायर में जो यूज करेंगे उसके चैनल 2 के इनपुट में हम लोग डाल देंगे। ये हो गया हमारा बेस के लिए इनपुट। अभी बेस के लिए हम लोग आउटपुट लेंगे, तो इधर हम लोग स्पीकर आउटपुट लेंगे, चैनल 1 से एक आउटपुट और चैनल 2 से एक आउटपुट लेंगे, और उसको हम लोग चैनल 1 से जो आया होगा उसको एक बेस में, और चैनल 2 से जो आउटपुट आया होगा उसको एक बेस में हम लोग इनपुट बेस में दे देंगे। ये हो गया हमारा बेस का वायरिंग। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं टॉप के लिए। तो दोस्तों, टॉप के लिए भी हम लोगों को वही करना है, क्रॉसओवर से लेना है, तो इसमें जो मीड होता है तो उसमें मीड से हम लोग ले लेंगे आउटपुट, क्रॉसओवर के चैनल 1 से एक लेंगे और क्रॉसओवर के चैनल 2 से एक लेंगे, हम लोग मीड में से एक एक आउटपुट लेंगे, और उसको जिस एम्पलीफायर में हम लोग बेस चलाएंगे, ये नीचे वाले एम्पलीफायर में हम लोग बेस टॉप चलाएंगे, तो नीचे वाले एम्पलीफायर से हम लोग क्या करेंगे, जो क्रॉसओवर के चैनल 1 से मीड का आउटपुट आया होगा उसको चैनल एम्पलीफायर के चैनल 1 पे, और जो चैनल 2 का मिड आउटपुट आया होगा जो जिसमें हम लोग टॉप चलाएंगे उसी का चैनल 2 में हम लोग इनपुट दे देंगे, और सेम उसी तरह इसका चैनल 1 और चैनल 2 के आउटपुट से हम लोग आउटपुट लेके टॉप के टॉप में, दो टॉप हैं तो एक टॉप में एक हम लोग इनपुट दे देंगे दो टॉप के लिए, ठीक है, चैनल 1 से एक और चैनल 2 से एक हम लोग आउटपुट लेके एम्पलीफायर से टॉप में इनपुट दे देंगे। ये हो गया हमारा प्रॉपर वायरिंग। अभी हम लोग इसको
इस वायरिंग करके हम लोग चला सकते हैं बेस के लिए अलग क्रॉसओवर से, और टॉप के लिए अलग हम लोग आउटपुट लेके यहाँ से चला सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा मतलब वायरिंग सेक्शन हो गया। फिर हम वो क्या करना पड़ता है, क्रॉसओवर में कुछ सेटिंग करना पड़ता है, ठीक है। खाली वायरिंग कर देने से नहीं होता, क्रॉसओवर में कुछ सेटिंग भी डालना पड़ता है। दोस्तों क्रॉसओवर के सेटिंग के लिए पूरा अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉसओवर के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैसे सेटिंग करेंगे, हम लोग लो के लिए, बेस के लिए और हाई यानी मिड टॉप के लिए जो सेटिंग करेंगे उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो में बात कर लेंगे। और मिक्सर में भी कुछ सेटिंग करना पड़ता है, उसके लिए भी हम लोग अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ये था छोटा सा जानकारी डीजे वायरिंग के बारे में। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही डीजे रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।